guys, good morning. It's day 4 of our trip. और वेदर देखिए कैसा हो रहा है. गोल्फ कोर्स ऊपर काफ़ी धुंध है लेकिन अपर वर्थ इज वेरी क्लीन. आज मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है. एवलांच की वार्निंग है. बट हम जा रहे हैं फेज 1 और एटलीस्ट फेज 1 को तो आज हम स्नो बोर्ड अच्छे से कर ही लेंगे. तो आज फाइनली गोंडोला में बैठेंगे. बहुत मज़ा आएगा. बहुत अच्छी फीलिंग लगती है ऐसा स्नो बोर्ड लेके सुबह सुबह जाना और फिर वेदर अच्छा रहे. हाँ मतलब कुछ एक्टिविटी करते हैं तो अच्छा लगता है. मतलब सिंपल आके नज़ारों को देखना भी अच्छी चीज़ है बट जब तक कुछ एड्रेनलिन रश नहीं होता है ना तक उतना मज़ा नहीं आता है. और आज कल तो हम इसी स्लोप पे थे. आज एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं और एक्साइटमेंट है. वाकई में एक्साइटमेंट तो बहुत था. 5 साल बाद हम गोंडोला में बैठने जा रहे थे. गोंडोला के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे देखकर आप गोंडोला को अच्छे से समझ सकते हैं. हम सुबह 9 बजे ही गोंडोला पहुंच गए थे इसलिए हमें कोई भीड़ नहीं मिली. वीडियो में आगे देखिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है. हमने फेज 2 के डे पासेस लिए क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आज हम मैरी शोल्डर से भी स्नोबोर्डिंग कर पाएंगे. गोंडोला में बैठते ही बेहद खूबसूरत नज़ारे देखना शुरू हो जाते हैं. और फाइनली फेज 1. Finally, we have come to phase 1 and look at the view from here. Asli maza, asli nazare to yahan dikhte hain. Pehle hum ek phase 1 se niche tak ka ek run karenge. Agar wo acha karte hain to fir chair lift se jayenge. See the height of the chair lift. बहुत अच्छा है. फेज 1 स्टार्ट ही किया है और स्लोप काफ़ी ज़्यादा है. जो स्पीड कंट्रोल और जो एस टर्न हम कल बना रहे थे वो इतनी आसानी से नहीं बनती है यहाँ पे. वहाँ से भैया आ रहे हैं तो बस यहाँ पे अगर बिना गिरे भी कर लेते हैं तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट फॉर अस. यहाँ पे जो फ्लैट एरिया है तो स्पीड कम हो जाती है तो आई थिंक वहाँ तक वॉक करके जाना पड़ेगा. मौसम बहुत सही हो रहा है और ये सुबह 10:30 का टाइम था. इस समय इतनी भीड़ हो जाती है कि आपको नंबर आते आते आधे घंटे का समय भी लग सकता है. फेज 1 से हम फाइनली चेयरलिफ्ट तक आ गए. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे व्यूज और भी जॉ ड्रॉपिंग होते जा रहे थे. धूप में चेयरलिफ्ट में बैठकर चारों तरफ देखने का ये एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था. ये एक्सपीरियंस सिर्फ स्नोबोर्डर्स और स्कीयर्स को ही मिल सकता है. अधिक जानकारी के लिए मेरा गोंडोला वाला वीडियो देखिए. दिस इज द एंटायर रन. यू कैन सी एंटायर मैरी शोल्डर रन. आगे नहीं तो पूरा सिर पे ही लगेगा ये.
फाइनली हमने मैरिज होटल से स्नोबोर्डिंग करने के लिए अपने बोर्ड्स पहने, क्योंकि हमें स्नोबोर्डिंग करते हुए सिर्फ दो ही दिन हुए थे। हमारा एम था बिना गिरे इस रन को कंप्लीट करना, और इसके लिए हमें लीपिंग करते हुए नीचे जाना था। हम इस पर कितना सक्सेसफुल हुए आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ स्नो और स्लोप इतना ज्यादा था कि गिरकर उठना भी एक चैलेंज था। बोर्ड को सीधा करने से स्पीड काफी तेज हो जाती थी और अक्सर एक हाई स्पीड क्रैश के साथ ही एंड होती थी। एक बहुत ही प्रोडक्टिव दिन के बाद हम वापस गुलमर्ग लौट गए। अभी 4:30 बज रहे हैं और हम लोग वापस आ गए। थोड़ा मार्केट घूमेंगे आज, सोविनियर शॉप जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे, क्योंकि राइट एल्बो में थोड़ा स्प्रेन है। देखते हैं वैसे इतना नहीं, बट अगर हॉस्पिटल में कुछ हो जाता है तो अच्छी बात ही है। एल्बो में स्प्रेन भी बहुत था और इंजरी भी डीप थी। मेरे राइट एल्बो के लिगामेंट में पार्शियल टेयर हुआ था और मैं आने वाले 5 महीने ब्रेसेस पहनने वाला था, पर इस समय मुझे सिर्फ स्नोबोर्डिंग दिख रही थी। कल तक हम 5:30-6 बजे तक काम कर रहे थे, आज 4:30 बजे से कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने ज़्यादा कर लिया तो उसके मुकाबले। आज काफ़ी ड्रोन भी उड़ाया है, होपफुली अच्छे शॉट्स आए हो। चलो कुछ शॉपिंग करते हैं आज। ये आपको कुछ काला सा डॉट दिख रहा होगा, वो एक्चुअली Insta360 है, और ये पूरा रास्ता मैं उस बनाते वहाँ तक गया हूँ। एक्चुअली ये कैप्चर करने वाला है सनसेट, जो यहाँ डार्कनेस होगी, और साथ ही साथ मून राइज। मैं आधे घंटे वेट करने वाला हूँ जब तक ये टाइम लैप्स बनेगा, पर ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वेट करने में। थोड़ी बहुत स्नो घुस गई है शूज के अंदर, रास्ते पे चलते। That was all for this part. See you in the next one.